रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का सपना खटाई में पड़ सकता है। भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाए जाने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से विचार कर सकते हैं। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के तहत कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया था, जिस पर ओबामा प्रशासन ने भी सहमति जताई थी। लेकिन अब कंपनी की माने तो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव की दोबारा से समीक्षा करते हैं तो यह मामला खटाई में पड़ सकता है। कंपनी का कहना है कि ट्रंप सरकार प्रस्ताव के आड़े आ रही है। दरअसल ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वे चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां उनके देश में अपने निर्माण को आगे बढ़ाएं और विदेशों में उसकी बिक्री हो, जिस पर कंपनी लॉकहीड का कहना है कि भारत में उत्पादन करने से अमेरिका में रोजगार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो अमेरिका में ही करीब 200 इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा और साथ ही 800 से ज्यादा कारीगरों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपको बता दें कि यह सौदा अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। अमेरिका और रूस समेत तमाम हथियार निर्माता देश अब पांचवें जनरेशन के विमान पर काम कर रहे हैं। ऐसे में F-16 जैसे पुराने जनरेशन के फाइटर प्लेन्स का ऑर्डर मिलना ना के बराबर हो गया है। इसी से निपटने के लिए कंपनी ने अमेरिकी यूनिट को पांचवें जनरेशन के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था और F-16 के एक हिस्से को भारत में शिफ्ट करने का फैसला लिया था। हालांकि भारत के सामने कंपनी ने यह शर्त रखी थी कि भारत को कम से कम 100 विमान खरीदने होंगे। तो अगर ट्रंप सरकार F-16 सौदे को लेकर कोई नकारात्मक कदम उठाती है तो इससे कंपनी को तो खासा नुकसान होगा ही, साथ ही पीएम मोदी की मेक इन इंडिया की नीति को भी ठेस पहुंचेगी। देखते रहिए DB Live।